छपरा जहरीली शराब मामले में अब कार्यवाही होती दिख रही है। मसरक थानाध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। संदिग्ध हालात में मरने वालों की संख्या लगभग 43 से ज्यादा बताई जा रही है। सभी की मौत का कारण जहरीली शराब को बताया जा रहा है। अब इस मामले में सीएम नीतीश कुमार का भी एक बयान सामने आया है, जिससे विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आगे सुनिए सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा। सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया, तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपस, हम के वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही ना है।